पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया का जो ब्रैडफोर्ड ऑफिस है, इसमें ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया और पिछले दो महीने से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और लॉकडाउन की वजह से तमाम दोस्त जो नहीं मिल सके, तो एक बड़ी कर्ब की कैफियत थी। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया सारे दोस्तों ने। इस मुख्तसरन फिल बदी प्रोग्राम का मकसद जो था वो सिर्फ एक ईद मिलन था मुख्तसरन दोस्तों के साथ, चूँकि कोरोना की वजह से काफ़ी अरसे से हम लॉकडाउन में थे और दोस्तों से ईद पे भी मुलाकात नहीं हो सकी थी, बड़ी बोरियत थी एक, तो इस बोरियत को इससे जान छुड़ाने के लिए आज मिले थे हम। बड़ा इंजॉय किया दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया है। यादा बिछड़े सजन दिया। कोरोना की वजह से घर में बैठे हुए थे तो आज जो है ना ईद मिलन पार्टियां थी और इस ईद मिलन पार्टी में बहुत मज़ा आया। हमारे बहुत ही अच्छे फनकार जनाब आफिस यकूब साहब और उनकी टीम ने हमें बहुत ही महसूस किया अपनी गज़लों से और सुफियाना कलाम से, और दूसरा दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका भी मिला तो बहुत अच्छा लगा। दो तीन महीने के बाद दोस्तों से मिलना भी और एक अच्छी महफल भी हुई और इसके साथ साथ ईद मिलन पार्टी भी थी। हम शुक्रगुजार हैं हमारे अरशद चाल साहब का और उनकी टीम का जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ बैठ कर जो है ना मिल बैठने का मौका। इनसे कम अज़ कम इंसान को जो है जो इतनी परेशानियां आपने देखी हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं कोरोना की वजह से, दुनिया पूरी लॉकडाउन में रही है, तो आज दोस्तों ने यहां पर महफिल सजाकर यकीन जाने के पिछले तीन महीने की जो थकावट थी वो बिल्कुल निकाल दी है। सब खुश रहे और आप सबको एक दफा फिर ईद मुबारक।